Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वशानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। 8 जनवरी 2022 को कोविड पॉजिटिव के चलते मुंबई महाराष्ट्र के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और आज 6 फरवरी को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत रत्न लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में आज सुबह 8:12 ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली और दुनिया को कहा अलविदा। मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से आज सुबह ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। लता जी के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्र ध्वज आधा रहेगा और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरा देश टूट चुका है। लता जी भारत की एक ऐसी प्लेबैक सिंगर रही हैं जो भजन, कीर्तन, गजल, रोमांटिक दर्द के साथ देशभक्ति सॉन्ग हमारे फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। इसमें उनका सबसे लोकप्रिय गीत ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, ऐसे लोकप्रिय गीत हमें दिया है। लता जी का नाम लता मंगेशकर के अलावा लता दीदी, प्यासी कोयल, क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे नामों से जाना जाता था। लता जी को कई अवार्ड मिले हैं जिनमें पद्म भूषण, दादा साहेब फुले, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न के अलावा नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ हॉनर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लता जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा 1999 से 2005 तक रही हैं। Raj Electronics and Home Appliance, SVS Tires, Total Tire Solution in One Unit. XMLA मल्लिकार्जुन खोबा ने उठाया CMC की लापरवाही पर आवाज। XMLA मल्लिकार्जुन खोबा ने बसो कल्याण के मशहूर दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन सेरे सवार और राजबाग सवार के दर्शन लेने पहुंचे। वहां पर अंधेरा देख CMC पर उठाया सवाल, कहा कि बसो कल्याण की इस दरगाह में हजारों लोग अमावस और पूर्णिम को ज़ियारत के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट की सुविधा रोड पर नहीं है और ना ही दरगाह के अंदर के पोल पर लाइट नहीं है और ना ही यहाँ पर CMC की ओर से सफाई की जाती है। रात के वक्त किसी की मैयत को लेकर यहाँ आए तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इसके अलावा यहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। बसो कल्याण में कई मंदिरों, मस्जिदों के पास भी कोई लाइट की सुविधा नहीं है। CMC आखिर कब इन जगहों पर सुविधा उपलब्ध करेगी? आज हमने बसो कल्याण का पवित्र दरगाह राजा बाग सवार दरगाह को आज दर्शन के लिए आए थे। हमारे हजरत अब्दुल हसन जागीरदार साहब भी मौजूद थे। हम जब आशीर्वाद लेने गए तो बसव कल्याण का जो दरगाह, फेमस दरगाह है ये, या अमास को, पूनम को लोग बहुत आते, हजारों लोग विजिट करते, लेकिन ये दरगाह को जब आएंगे तो क्लीन नहीं है। म्यूनसिपालिटी यहाँ कोई साफ सफाई का काम नहीं कर रहे और जहाँ भी लाइटिंग है आप देख रहे, लाइटिंग का अंदर भी देखे आप या बाहर भी देखे, अंधेरा अंधेरा है। लाइटिंग तो CMC का जवाबदारी है, CMC वाले लाइटिंग लगाना चाहिए। और जहाँ भी रात में वगैरह मैयत हो गया, मैयत में जाने के लिए लाइट का बहुत ज़रूरी है। सब तरफ देखेंगे तो अंधेरा अंधेरा है, तो लाइट का ज़रूरी और पीने का पानी का ज़रूरी। सब लोग पैसे दे के पानी नहीं पी सकते। बसवा कल्याण तालुका में सिटी के अंदर 24/7 पानी का व्यवस्था हो गया, लेकिन क्लीन वाटर नहीं है। सब लोग 1 रुपये लीटर पैसा दे के पानी पी गए। बड़ी शर्म की बात है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट रहते हुए पैसे दे के पानी पीने का जो आ रहा है, और लाइट नहीं है और क्लीन नहीं है। हम CMC को जो सदर हैं और CMC की बॉडी हैं और बसो कल्याण के बड़े डेवलपमेंट के MLA है और हमारे CMC के कमिश्नर है, वो कमिश्नर तो सिर्फ पैसे मांगने में परेशान है। बसो कल्याण कैसा डेवलपमेंट करना चिंता नहीं है। कभी उनको ये भी नहीं मालूम बसो कल्याण में मंदिर कितने हैं, दरगाह कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, कहाँ कहाँ एरिया में क्या लाइट चाहिए सार्वजनिक में, वो भी उनको नहीं मालूम है। अगर से 7 दिन के अंदर लाइट नहीं डालेंगे, जो एक्शन लेना है हम उनके पास जाके
जो स्ट्राइक करना है हमारे लोग उनके पास जाके करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट एक ही है, नाइट में कभी सीएमसी कमिश्नर बसव कल्याण में मैं घूमे सो अभी तक देखा नहीं। 24 घंटा उनका ड्यूटी है, सीएमसी कमिश्नर बसव कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर 24 घंटा अवेलेबल रहना। अब गवर्नमेंट का नंबर सबको देना, बेघात बेघात उनको घर बना के दिए सो है, यह रहने का उनका जवाबदारी है। जैसा एमएलए का जवाबदारी है वैसा उनका भी जवाबदारी है। कहीं ना कहीं यह गवर्नमेंट बसव कल्याण में विफल हो गए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।